सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए एनाबूम एडी लोशंस। एनाबूम एडी लोशंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक यूज़ किया जाता है, ये यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होता है, ये यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन डाले गए और ये किस प्रकार काम करता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है और डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो एनाबूम एडी लोशंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे या वीडियो पे पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं एनाबूम एडी लोशन, जो कि हमारे पास 50 ml का बॉटल है, जिसकी MRP की बात की तो इसकी MRP 324 यानी कि 324 रुपये करीब इसकी MRP है। एनाबूम एडी लोशन को सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। एनाबूम एडी लोशंस के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है लाइट लिक्विड पैराबेंस, प्रोपेलिन्स ग्लाइकोल्स, कैप्रिलेट्स, साइक्लोपेंटासोलेस, ओलियल एल्कोल्स, एल्कोल्स, डीनेचुरस, परफ्यूम्स, प्रिक्टोटन्स, ओलामिन्स, टोकोफिरोल एसिटेट्स, ब्यूटालेटेट्स, हाइड्रोक्सी टोलेट्स, तो ये इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। एनाबूम एडी लोशंस का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका यूज़ ट्रीटमेंट करता है सेबोरिक्स, डर्मेटाइटिस, टीनिया, वर्सी कलर्स का। सरल भाषा में बताएं तो अगर आपके हेयर में कुछ ज़्यादा डेंडर वगैरह हो गए या फिर आपके हेयर कुछ ज़्यादा पतले हो गए या फिर आपके हेयर में कुछ इचिंग्स या डर्मेटाइटिस हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए एनाबूम एडी लोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपके हेयर कुछ ज़्यादा कुछ पतले हो गए या फिर आपके हेयर बार बार गिर जाते हैं, यानी कि आपके हेयर बहुत पतले हो गए, आपके हेयर बहुत जल्दी गिर जाते हैं या फिर आप नहाते वक्त आपके हेयर कुछ ज़्यादा गिर जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए एनाबूम एडी लोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। एनाबूम एडी लोशंस को यूज़ करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि आपके जो हेयर है उसके हेयर के जो रूट्स चले जाएंगे तो वो मजबूत हो जाएंगे और आपके हेयर जो ज़्यादा गिरते थे वो गिरेंगे नहीं और आपको इचिंग्स वगैरह हो रही थी तो इचिंग वगैरह नहीं होगी, तो इसको यूज़ करने से ये बेनिफिट मिल सकता है। एनाबूम एडी लोशंस को यूज़ करने का तरीका बताएं तो इसको रात में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके सिर पे इसको 1 मिनट मसाज करने का और सुबह इसको वॉश कर देने का, यानी कि एनाबूम एडी लोशंस को कम से कम 8 घंटा रखे बाद में इसको वॉश कर सकते हैं, यानी कि सुबह आप नहाते वक्त इसको वॉश कर सकते हैं, यानी कि एनाबूम एडी लोशंस को कम से कम 8 घंटे अपने सिर पे रखने दे बाद में इसको वॉश कर सकते हैं। एनाबूम एडी लोशंस आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा। एनाबूम एडी लोशंस को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट या अपने हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें या भी उनसे एडवाइस ले बाद में इस लोशंस का इस्तेमाल करें, अपने मन से इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो एनाबूम एडी लोशंस के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में मेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। एनाबूम एडी लोशंस का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए था, कोई भी लोशंस का इस्तेमाल करने के पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।